दर्शकों, पहली बार मैं ये हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, ना कि सिर्फ अभी के लिए बट आने वाले टाइम के लिए। कभी भी आप इस वीडियो को जब देखेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, या मतलब मैं हूँ ना हूँ, कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको अपने मन में उतारिए, इसको 2-3 बार देखिएगा। और मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि अगर मेरी हिंदी ठीक है तो कमेंट में लिखिएगा, और मैं आगे भी हिंदी में कुछ वीडियोस बनाऊंगा। मैं ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी देखें और इससे इन्फ्लुएंस हों। जैसे कि आपने देख ही लिया है, ये करियर के बारे में है। मैंने एक वीडियो करियर के बारे में बनाया है, लेकिन ये वीडियो 10th और 12th के बारे में ही नहीं है, बट 10th और 12th के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो से आप रिलेट करेंगे कि आने वाले टाइम में, मतलब सॉरी ये नहीं कहना चाहता मैं, इस वीडियो से आप रिलेट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसे होती है। ये मैसेज है कि 10th और 12th से ही हमारी पूरी लाइफ गवर्न होती है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, डिफरेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा। और फिर से नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अब कम आ रहा हूँ, थोड़ा मैं कम ही आऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ। मेरी कुछ बुक्स आ रही हैं इस साल, 2 बुक्स आएंगी। एक तो जून में ही आ रही है, उसका नाम है हु इज़ इट। ये है क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है, इसका मैंने मेंशन स्कोर मोर विद मानू अपने ब्लॉगर में लिखा हुआ है। और बाकी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द गीता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द गीता, इसके लिए मैंने 18 मंथ्स रिसर्च करी है, और ये बुक आएगी अगस्त या सितंबर में। ये भी मैंने स्कोर मोर विद मानू में मेंशन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि 10th के रिजल्ट आ गए हैं, तो आप लोगों ने अच्छा किया होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ये 2 चीज़ों पे आधारित है वीडियो। सबसे पहले आप क्या कह 2 चीज़ें हमें जो पता हैं वो हैं, डू वॉट यू लव टू डू, डू वॉट यू लव टू डू, एंड लव वॉट यू डू, लव वॉट यू डू। पहली बात करते हैं लव वॉट यू डू, ये हमारा 10th इसमें बेस है। जब हम 10th के मार्क्स हमें आते, हम साइंस लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स ही नहीं आते तो हमें साइंस की जगह कॉमर्स मिल जाता है, कॉमर्स की जगह साइंस ह्यूमैनिटीज मिल जाता है, या जो भी कुछ है, या हमें साइंस भी मिल जाता है, हमें जो मिलना चाहते हैं मिल जाता है। बट यूजली हमारा अभी पूरा पर्पस हमें नहीं मिलता लाइफ में, अभी हमें बस ये है कि हमें लव करना है, लव वॉट यू डू, लव वॉट यू डू, हम इस बेसिस पे चलते हैं। अभी हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, हम लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, एक पैसा कमाते हैं, फिर एक और जगह से अच्छा पैसा मिलता है, और हम पैसे में उलझ के रह जाते हैं। पैसा हमें खींचता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पैसा कमाते हैं, पैसा हमें खींचता है, बट कहने की बात यह है कि हम कुछ हद तक अपना पर्पस भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा हमें ऐसा खींचता है, हम ऐसे अंदर चलते जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है। तो ये हमें 10th क्लास के बाद पता चलता है कि अभी हम फ़िलहाल वो करें जो हमें हमें जो हमें अच्छा पैसा देता है। 10th के बच्चे का भी ऐसे ही हाल होता है, उसे पता नहीं होता, 12th के बाद थोड़ा सा उसका बेस बनता है, अभी बस उसको जो मिलता है वो करता है। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, वो कर रहा है, ही इज़ लव व्हाट यू डू। जो आपको मिला है उससे प्यार करो, उतना अच्छा करोगे। फिर आप 12th में आते हो, 12th में एक आपका ऐसा मेच्योरिटी आ जानी चाहिए, मतलब ये जो 10th और 12th के बीच का जो गैप है, इसमें आप सोचो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा पर्पस है, जिस चीज़ के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। ये चीज़ या तो आप नहीं सोचते या सोचते हैं, अगर आप नहीं सोचते तो आप वही करोगे, लव व्हाट यू डू। 10 साल 20 साल निकल जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, आप यही करते हैं, लव व्हाट यू डू, पैसे मिलता रहता है। आपने IIT किया, या आपने NIT किया, या आपने एक्चुअरी का कोर्स किया, कुछ भी कोर्स किया, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप एक पैसे में फंस के रह जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, कोई गलती नहीं है। तो होता क्या है कि आप वही चीज़ में मतलब कर रहे हैं, लव व्हाट यू डू, जो कर रहे हैं उसमें लव कीजिए, अच्छा पैसा कमाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जब 12th में ही अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए इन 2 साल में, 10th से 12th के बीच में, कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो मुझे अच्छा लगता है, वो क्या होता है, डू वॉट यू लव। ये 2 चीज़ें हैं, डू वॉट यू लव, इसमें रिस्क है, बट अगर आप वो चीज़ समझ जाते हैं और आप वो करते हैं, पेरेंट्स आपको कहते हैं, समझाते हैं, आप उनकी भी सुनिए, बट आप अल्टीमेटली अगर समझ जाते हैं 12th तक, या मे बी कॉलेज तक, चलिए 12th थोड़ा छोटी क्लास है, कॉलेज के बाद ये समझ जाते हैं कि मुझे वो करना है जिसमें मुझे प्यार है, मुझे वो करना जो मेरा पैशन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आपको पैसा ही नहीं, सक्सेस, फेम भी मिलेगा। आज आप मुझे जानते हैं, मैं स्कोर मोर विद मानू के काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ,
और मेरा अपना ब्लॉग भी है और मैं राइटिंग करता हूँ। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पहले मैं स्ट्रगल करता था आप लोगों की तरह। आई वॉज जस्ट डूइंग डू वॉट यू लव, डू वॉट यू लव, नहीं पहले मैं क्या करता था, लव वॉट यू डू, वन कंपनी टू कंपनी अच्छा पैसा मिल रहा है, लव वॉट यू डू, बट मैं उसमें फंसा नहीं। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर मेरे एक्सपीरियंस से सीखी कि मैंने ये बहुत लेट समझ आया कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मुझे प्यार है, तो पैशन इसे कहते हैं। सो डूइंग लव, लविंग वॉट यू डू इज़ ओके, बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है, डू वॉट यू लव। इससे ही आपको फेम मिल सकता है, अदरवाइज पैसा हर जगह से मिल सकता है, बट फेम और आपकी जो आपको जो अच्छा लगता है वो करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, वही पर्पस है आपकी लाइफ का। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई मैं मुझे दिल मेरा कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ होने दीजिए लाइफ में, 20 में 30 में 40 में किसी भी एज में। मेरा तो बहुत लेट मुझे पता चला कि भाई मुझे यह करना है, मुझे राइटिंग करना है और मैं इस तरह से मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वैल्यू देनी है आप लोगों को, और मैं दे रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी डूइंग सो। आप भी ऐसे ही कुछ देखिए, अगर आप बिज़नेस मैन हैं तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप बिज़नेस कर रहे हैं और जॉब दे रहे हैं तो आप वो चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी बिजनेस मैन, बट मैं ये कहता हूँ कि बिज़नेस मैन को भी ऐसा कुछ करना है जिसमें उसको वैल्यू देनी है सोसाइटी में, तब उसका नाम होगा। हालांकि पैसे तो वो कमा ही रहे हैं, बट अगर नाम चाहते हैं तो आपको लीक से अलग करना पड़ेगा, कुछ आपको वो करना पड़ेगा जिसमें आपको खुशी मिलती है, लव वॉट यू डू। वो तभी हो सकता है, नॉट कि आप जॉब दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे आप एक बिज़नेस चला रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो वो जॉब अपने आप हाँ आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बट आप तभी एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन आपकी वैल्यू होगी इवन आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, जब आप कुछ सोसाइटी में ऐसी कोई चीज़ करेंगे जो जैसे अजीम भाई कर रहे हैं, राइट, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, इस तरह से कुछ करें, आउट ऑफ द लीग जाके सेल्फलेस सर्विस करें, तो पैसा तो आप कमा ही रहे हैं बट आपका नाम भी होगा, और अभी की जनरेशन में नहीं आगे जाके आपके बाद जाने के बाद भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10th एंड 12th हमें लाइफ सिखाते हैं, 10th सिखाते हैं हमें कि भाई जो भी मिला है करो, लव व्हाट यू डू, लव व्हाट यू डू, बट 12th हमें सिखाते हैं कि यही टाइम है, मैं अपने 10-20 साल क्यों वेस्ट करूँ, 12th के बाद मैं वो करूँगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब मैं वो करूँगा जो मुझे जिसमें मुझे प्यार है, जिसे पैशन कहते हैं, उसके लिए रिस्क लेना चाहता हूँ, रिस्क लेना पड़ेगा लूँगा, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, आई विल डू वॉट आई लव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेरा सक्सेस मंत्र है, यही मेरा मैसेज आज, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आया था, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट था, मैं ऐसे ही आता रहूँगा, जो इतना फ्रीक्वेंट नहीं आऊँगा, बट जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा अपने व्यूअर्स को थैंक यू बोलने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए, रूबरू होने के लिए। और ये हिंदी में है तो मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ हिंदी में कुछ गलत बोला हो, क्योंकि इट्स आर मदर टंग, तो मुझे ऐसे कुछ मुश्किल नहीं होती, बट हिंदी में ज़रा कम बोलता हूँ वीडियोज़ के अंदर। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे वीडियो स्पेशल होती हैं, जैसे ये वीडियो था तो मैंने कनेक्ट किया, हिंदी में बोला है, और मुझे लगा है कि शायद आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो प्लीज़ स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपना बच्चों को दीजिएगा, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएगा वो समझ पाएंगे ये वीडियो, ऐसा इस तरह से ज़्यादा बना नहीं है, ये वो नहीं है, ये वीडियो में आपको लगा बोर्ड पे देख के कि ये करियर के बारे में है, करियर के बारे में वीडियो मैंने बना चुका हूँ मैं, ये वीडियो करियर के बारे में नहीं है, ये पर्पस के बारे में है, पर्पस जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, ये पर्पस जानना, टू लव व्हाट यू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम कमर्शियल लाइफ में मिस कर चुके हैं और ये मिस कर रहे हैं, तो ये सबके लिए है, सिर्फ 10th और 12th के बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरी विश्व भर के लोगों के लिए है, सबके लिए है। तो आप इसको पहचानिए, जानिए कि पर्पस को कभी मत भूलिएगा, ड्रीम पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट, वो तभी मिलेगा जब आप वो चीज़ करेंगे जिसको आप लव करते हैं, ना कि लव व्हाट यू डू। लव व्हाट यू डू तो आप करेंगे, जॉब में कर ही रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब जा रहे हैं, फिर उसको नया काम कर रहे हैं, फिर उसको लव करेंगे ताकि आप अच्छा पैसा कमा सके, तो वो है लव व्हाट यू डू, बट टू डू व्हाट यू लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप इसको लाइक दीजिएगा और इसको स्प्रेड कीजिएगा, और मैं फिर आऊँगा। अभी मेरी जून में एक बुक आ रही है, हु इज़ इट, क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पे है, वो आप जरूर पढ़िएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो पब्लिश होगी प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे। और मेरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन अंदर गीता, वो उसमें कुछ टाइम लगेगा, अगस्त या सेप्टेम्बर, मैं 2 साल से उसमें लगा हूँ, और यही पैशन होता है, यही इसमें ही मज़ा होता है, और यही जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, इस सब कंटेंट जो बनता है आपके लिए एक वैल्यू देने के लिए, यही लाइफ है और इसी में मज़ा है, मुझे यही अच्छा लगता है, और मैं ये करता रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, मैं फिर कनेक्ट हूँगा, एंड बाय।